ग्लोबल होने की तरफ बढ़ चला भारत का रुपया। भारत ने लगाई ऐसी छलांग कि रुपए में होने लगा भुगतान। अब यूएई और भारत के बीच लेन देन में रुपया माध्यम होगा। पहली बार तेल खरीद के बदले में रुपए में भारत ने किया पेमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था भारत की करेंसी को ग्लोबल करने का। जिस तरह से पूरे विश्व में डॉलर में व्यापार हो सकता है, उसी तरह से पीएम मोदी को भी आज थी कि एक दिन वो अपने देश की करेंसी को भी ग्लोबल बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तभी तो पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी मुद्रा रुपए की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ाने पर लगातार काम भी कर रहा था। और अब लग रहा है जैसे देर से ही सही, लेकिन भारत का ये सपना पूरा होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी की ये तमन्ना पूरी होने जा रही है, क्योंकि पहली बार संयुक्त अरब अमीरात से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए भारत ने भारतीय करेंसी रुपए में पेमेंट की है। और अचंभे की बात देखिए, यूएई ने इस पेमेंट को स्वीकार भी कर लिया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो निश्चित तौर पर हर रिसोर्स की जरूरत हमेशा यहाँ ज्यादा ही होती है। इसलिए और भारत की इच्छा थी कि तेल आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने, लेन देन की लागत में कटौती करने और रुपए को व्यापार निपटान मुद्रा के रूप में स्थापित करने के भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बाकी देश देखें और फिर इस दिशा में भारत का सहयोग करें, भारत की करेंसी को स्वीकार करें। और इसी के साथ ही यूएई विश्व में पहला ऐसा देश बन गया है जिसने भारत से भारत की करेंसी में ही कच्चे तेल का भुगतान स्वीकार कर लिया है। दरअसल भारत ने इसी साल जुलाई महीने में रुपए में निपटान के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया था। इस समझौते के तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से 10 लाख बैरल तेल की खरीद के लिए भारतीय रुपए में भुगतान करना पड़ा। कुछ रूसी तेल का निपटान भी रुपयों में ही किया गया। अब जानते हैं कि रुपए से पेमेंट करने में आखिर लाभ क्या है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर तो है ही। 85% क्रूड ऑयल जिस देश को अन्य देशों से खरीदना पड़ रहा है, उसकी जेब पर कुछ नहीं तो हर बार लाखों डॉलर करेंसी लग जाती है। रुपए में पेमेंट करने से ट्रांजैक्शन कॉस्ट में कमी आएगी। इसके अलावा कई अन्य फायदे जो भारत को मिलेंगे, इसे भारतीय करेंसी ग्लोबली अपनी पहचान और साख बना पाएगी। तेज और आसान पेमेंट ऑप्शन खुल जाएंगे। पैसे का लेन देन आसानी से सेट करने में मदद मिलेगी। इससे दुनिया भर में भारत के ट्रेड पार्टनर भी बढ़ेंगे। अमेरिकी डॉलर का दबदबा कम होगा और रुपए एक ऑप्शन करेंसी के रूप में अपनी पहचान बना पाएगा। हालांकि सवाल यहाँ ये भी उजागर होता है कि ग्लोबल रुपए आखिर क्यों अहम है। कच्चे तेल के लिए पेमेंट करने के लिए बड़े पैमाने पर डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, जिससे सरकारी खजाने पर बहुत असर पड़ता है। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से डॉलर की मांग को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे डॉलर की कीमत भी कम होने की उम्मीद जगी है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मौद्रिक झटकों का असर भी कम होगा। और जैसा कि हमने बताया कि भारत को अपनी तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसका 85% से ज्यादा तेल आयात करना पड़ता है, तो इस जरूरत को देखते हुए ही भारत ने ये रुपए में भुगतान करने की नीति अपनाई है, जिसमें सबसे अधिक लागत प्रभावी आपूर्तिकर्ताओं से सोर्सिंग, आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने पर जोर दिया गया है। रूसी तेल आयात में वृद्धि के दौरान देश को इस रणनीति से अरबों डॉलर की बचत हुई है। मतलब साफ है कि भारत की स्ट्रैटेजी काम कर गई है और भारत की करेंसी भी ग्लोबल होने लगी है। इस दिशा में अभी तो भारत ने पहला कदम बढ़ाया है, धीरे धीरे ये बात और देशों में भी फैलेगी और अब भारत एक ऐसा देश है जिसकी जरूरत को है। तो भारत के साथ दोस्ती बरकरार रखने के लिए संभव है कि ये देश भारतीय करेंसी के माध्यम से लेन देन के लिए तैयार हो जाएं। कच्चे तेल के आयात पर हुए खर्चे की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 232.7 मिलियन यानी कि करीब 2,32,00,000 टन कच्चे तेल का आयात किया है, जिसके लिए भारत को 157.5 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 13,00,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं। भारत को कच्चा तेल निर्यात करने वाले प्रमुख देशों में इराक, सऊदी अरब, रूस और संयुक्त अरब अमीरात सबसे आगे हैं। इनका पश्चिम एशिया में कच्चे तेल की कुल आपूर्ति का 58% योगदान है।
अब आप हमें बताइए कि ये जो उपलब्धि भारत ने हासिल की है, जिस तरह से रुपए में यूएई में लेन देन की शुरुआत हो गई है, वो भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। आप इस उपलब्धि से क्या समझते हैं? आपकी नजर में भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की कितनी बड़ी जीत हुई है? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।